गेट खोलकर जब ये मकान में प्रवेश किए तो मकान का सभी रूम का ताला टूटा हुआ पाया गया, गोदरेज टूटा हुआ मिला, पूरा मकान छत बिछत स्थिति में देखा गया, सारे सामान को तितर बितर कर दिया गया हम लोग। और इनके माध्यम से हमको पता चला कि लगभग यह 3 सेट जो है चेन, अंगूठी और नगद रुपया लगभग जो है 50,000 रुपया जो है इनका जो है घर से चोरी हुआ। 3 सेट जो है चेन ले लिया है, 2 सेट अंगूठी ले लिया है, जेवरात कुछ ले लिया है। बेगूसराय के सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के नागतो वार्ड संख्या 10 के सनफ्लावर स्कूल के पीछे विकास नगर में रिफाइनरी कर्मी बैजू कुमार के घर चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि बैजू सिंह अपने गांव पासारा गए हुए थे। इसी दौरान घर को खाली देखकर चोरों ने घर में लगे हुए सभी ताले को तोड़कर सोने की एक चेन, 3 अंगूठी, 2 पायल, नगद 48,000 रुपये सहित महंगे साड़ी एवं गर्म कंबल को लेकर फरार हो गए। उस संबंध में बताया जाता है कि 19 तारीख को वह अपने गांव गए हुए थे। मामला जब मैं घर गया था बाहर, 2 दिन के बाद मैं आया तो देखा, अंदर गेट खोल कर अंदर आया तो देखा सब ताला जो है टूटा हुआ, चोरी हुआ, 3 सेट जो है चेन ले लिया है, 2 सेट अंगूठी ले लिया है, जेवरात कुछ ले लिया है, गोदरेज तोड़ करके। कितने घर के ताला टूटे हुए हैं? लगभग 12 ताला टूटा है। इसी दौरान जब वो लौट कर अपने घर को आए तो घर के लगभग 12 ताले टूटे हुए थे। फिलहाल इस घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। तो बोलिए, आए दिन चोरी हो रहा है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना चोरी होना, ये सब दुर्भाग्य की बात। हमको जो है बैजू जी ने लगभग जो है करीबन 7 बजे जो है हमको फोन किए थे, हम उस समय मार्केट में थे। इन्होंने बताया कि हमारे घर में जो है ताला तोड़ के जो है डकैती हो गया है। तो हमने जो है तुरंत जो है स्थानीय जो थाना है बड़ा बाबू दीपक जी, उनको हम टेलीफोन के माध्यम से उनको सूचना किए तो बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं। और हम भी अभी जो है इनके घर पर जो है बैजू जी के घर पर पहुंचे तो देखे कि सारा जो है इनका जो है मकान का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान जो है इनका जो है गोदरेज का जो है और जितने भी और सामान है पूरा बिखरा हुआ देखे हम लोग। और इनके माध्यम से हमको पता चला कि लगभग यह 3 सेट जो है चेन, अंगूठी और नगद रुपया लगभग जो है 50,000 रुपया जो है इनका जो है घर से चोरी हुआ। अन्य भी कपड़े बहुत सारे थे वो भी जो है इनके द्वारा बताया कि चोरी हुआ है। तो हमने यहाँ पर अभी जो है जब हम इस जगह पर आए हैं तो सारा जो है हम लोग जो है जो भी थे आप लोग पत्रकार लोग उनको भी हमने सूचना किया अपने माध्यम से। और आए दिन हमने देख रहे हैं कि यहीं पर जो है बगल में आनंद विहार में भी जो है वार्ड 10 में ही पड़ता है आनंद विहार नागदे, उस जगह भी जो है एक शांति मैडम है, आज करीबन जो है 15-20 दिन पूर्व जो है उनके भी घर में सेम इसी ढंग से जो है डकैती हुआ है। और एक बगल में उसी जगह जो है शांति मैडम के बगल में ही राजेश इंजीनियर साहब हैं, PWD के इंजीनियर हैं, उनके मकान में भी जो है चोरी हुआ है। और एक बगल में जो शांति विकास नगर के बगल में है उनके घर में जो है बचिया के लगन करने वाले थे, उनके घर से लगभग जो है 3 लाख रुपया सोना चांदी खरीद के रखे थे, वो सारा सामान जो है लूट के चला गया, जिसके कारण उस बच्चिया को जो है शादी नहीं हो पाया, साल भर डिले हुआ। उसके बाद उनको जो है शादी के लिए वो अपना जमीन बेचे फिर जाकर बच्चिया की शादी कर, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि इस ढंग कितने की चोरी हुई होगी यहाँ कुछ, ये सारे जितने भी मामला नहीं, नहीं, इनके घर में कितने की चोरी हुई होगी? लगभग जो है सारा आंकड़ा लगाया गया तो लगभग जो है 5 लाख रुपया के इनके घर में
चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, यहाँ के हम स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। मामला यह है कि हमारे साथी बरौनी रिफाइनरी कर्मी बैजू कुमार जी, जिनका मकान नागदह वार्ड नंबर 10 विकास नगर मोहल्ले में है, ये आज जब अपने गांव से लौटे हैं तो संध्या 7 बजे के लगभग गेट खोलकर जब ये मकान में प्रवेश किए हैं तो मकान का सभी रूम का ताला टूटा हुआ पाया गया, गोदरेज टूटा हुआ मिला, पूरा मकान छत बिछत स्थिति में देखा गया, सारे सामान को तितर बितर कर दिया गया और भीषण डकैती से आप कह सकते हैं। मकान के अंदर एक भी चीज सुरक्षित नहीं पाया गया और नागदह के अंदर हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी हैं लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बैठी हुई है, एक भी मामले में कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग अपने आप। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।